आज बालोद में और चारामा में दो जगह कार्यक्रम है। विश्व आदिवासी दिवस के निमंत्रण उस दिन था, लेकिन अनेक जगह कार्यक्रम होने के कारण से नहीं जा पाया। फिर बीच में झारखंड भी जाना हुआ, फिर रक्षाबंधन आ गया, और उसके कारण से आज दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें बिरसा मुंडा जी के मूर्ति का अनावरण है और विश्व आदिवासी दिवस के गुरु बालोद में कार्यक्रम है। कल असम के शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा संचालित हमारे यहाँ भी हो रही है, बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, और अच्छे अच्छे कार्यक्रम के यदि दूसरे प्रदेश में उसको अनुसरण करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि शिक्षा की स्तर सुधरे। अब वो तो हो गया है, 16 तारीख से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले जिला स्तर का होगा, फिर प्रदेश स्तर जी। और कुछ बीजेपी ने कहा था ट्रांसफर नीति कहीं उद्योग नीति में ना बदल जाए और इसमें ज्यादा जो है वो विवाद हो जाएगा। 15 साल तक के ये लोग वही करते रहे, जिसका अनुभव बार बार वो उद्धृत करते हैं कि हम लोग जो करते थे वो ऐसा नहीं होगा, सारे पारदर्शी होगा, और यदि इस प्रकार से शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई। मैं इसीलिए गर्मी में शुरू किया था ताकि किसान मजदूर सब मिल सके। अभी चूंकि खेती किसानी का दिन है, बारिश भी खूब हो रही है और सब लोग खेतों में हैं, और कुछ दिनों बाद बारिश भी कम हो जाएगी और जब सब खेती किसानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो इस महीने के अंत तक के हो या सितंबर महीने में। रेवड़ी बांटने को लेकर आपने कल बयान दिया था, अभी देखिए, कल मेरी टी एस सिंहदेव जी से बात हुई थी और उन्होंने इस प्रकार से कोई शंका जाहिर नहीं की। यदि परिवार के लोग यदि चाहते हैं तो हमें जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परिवार के लोग यदि कोई बात कहे। कल बयान दिया था, अभी भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास नहीं मिल पाया, नल जल योजना यहाँ पर नहीं सही से काम कर पाई, फिर मुख्यमंत्री किस लिहाज से कह रहे हैं कि गरीबों का आवास दिया जाए और भोजन मिल जाए। पूरे देश की स्थिति क्या है, चलिए उत्तर प्रदेश चल दीजिए, मध्य प्रदेश चल दीजिए, क्या वहाँ मकान सबके बन गए? आसाम में उनकी सरकार है, वहाँ बन गए? आपके पड़ोसी राज्यों में जाके देखें क्या बन गए? हमने बजट में शामिल किया है। पहले तो बैंक लोन देती थी, लेकिन अब आरबीआई की नया गाइडलाइन आ गया कि जिससे रिपेमेंट ना हो सके तो वैसे आपके जो संस्था बनाया गया है लोन लेने के लिए उसको हमको नहीं देना है, और इसलिए हमने इसमें बजट में शामिल किया, बजट से हम पैसा दे रहे हैं तो मकान बनाने के लिए। नल जल योजना की बात है, नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए, मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला, और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाए आप? 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाए? तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे सवाल पूछे। 15 साल में आपने क्या किया? सबसे ज़्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा कुपोषण छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा अशिक्षा छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा महिलाओं में एनीमिक महिलाएं छत्तीसगढ़ में, सबसे ज़्यादा झोपड़ी छत्तीसगढ़ में। तो आप जो दिए हो हमको है ना, वहीं से तो आगे बढ़ेंगे और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और कोई ठीक, थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.